इन दिनों फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर तंजानिया के दो भाई बहन किली पॉल और उनकी बहन नीमा, ये बहुत चर्चा में है और मुझे पक्का भरोसा है आपने भी उनके बारे में जरूर सुना होगा। उनके अंदर भारतीय संगीत को लेकर एक जुनून है, एक दीवानगी है और इसी वजह से वे काफी लोकप्रिय भी हैं। लिप सिंक के उनके तरीके से पता चलता है कि इसके लिए वे कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं। हाल ही में गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारा राष्ट्रगान जन गण मन गाते हुए उनका वीडियो खूब वायरल हुआ था। कुछ दिन पहले उन्होंने लता दीदी का एक गाना गाकर उनको भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी दी थी। मैं इस अद्भुत क्रिएटिविटी के लिए इन दोनों भाई बहन किली और नीमा उनकी बहुत सराहना करता हूं। कुछ दिन पहले तंजानिया में भारतीय दूतावास में इन्हें सम्मानित भी किया गया है। भारतीय संगीत का जादू ही कुछ ऐसा है जो सबको मोह लेता है। मुझे याद है कुछ वर्ष पहले दुनिया के 150 से ज्यादा देशों के गायकों संगीतकारों ने अपने अपने देश में अपने अपने वेशभूषा में पूज्य बापू का प्रिय, महात्मा गांधी का प्रिय भजन वैष्णव भजन गाने का सफल प्रयोग किया था। आज जब भारत अपनी आजादी के 75वां वर्ष का महत्वपूर्ण पर्व मना रहा है तो देशभक्ति के गीतों को लेकर भी ऐसे प्रयोग किए जा सकते हैं जहां विदेशी नागरिकों को, वहां के प्रसिद्ध गायकों को भारतीय देशभक्ति के गीत गाने के लिए आमंत्रित करें। इतना ही नहीं, अगर तंजानिया में किली और नीमा भारत के गीतों को इस प्रकार से लिप सिंक कर सकते हैं तो क्या मेरे देश में, हमारे देश की कई भाषाओं में कई प्रकार के गीत है, क्या हम कोई गुजराती बच्चे तमिल गीत पर करें, कोई केरल के बच्चे असमिया गीत पर करें, कोई कन्नड़ बच्चे जम्मू कश्मीर के गीतों पर करें? एक ऐसा माहौल बना सकते हैं हम जिसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत हम अनुभव कर सकेंगे।